सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों के चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर। सो यार काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है यार। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड तो मैंने कर ली थी और मेरे को सिर्फ एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। सो यार आज जाके मैंने एडिट करी है और आज ही अपलोड कर दूंगा इसको, शाम तक मैं अपलोड कर ही दूंगा। और वीडियो को पूरी देखना यार, आज काफी ज्यादा तगड़ी चीज होने वाली है इस वीडियो में। सो आज की इस वाली वीडियो होने में मैं बता ही देता हूँ यार। एक्चुअल में मैं आज बनाने वाला हूँ पहले शुगर केन फार्म। ये देख सकते हो मैं जहाँ पे कूद रहा हूँ यार, अभी बंदरों के जैसे कूद रहा हूँ मैं। मैंने वहीं पे एक शुगर केन फार्म मतलब बनाया है छोटा सा, जो कि मेरे काम आएगा, जिससे मैंने ये एक ड्यूपर भी बनाया उसके बाद मैंने, और ये सारा सामान गैदर कर लिया है। और ये शुगर केन जितना भी है ये सारा मैंने अपने छोटू से फार्म से किया, काफी देर तक एएफके किया मैंने। सो यार अभी मैं बिना किसी देर के यार सामान वगैरह इधर उधर शिफ्ट करता हूँ, और मेरे को यहाँ पे टाइम लैप्स भी लगाना है यार। टाइम लैप्स एक्चुअल में यार काफी दिक्कत हो गई थी यार, और ये भी मैंने अपग्रेड किया है। यहाँ पे मैंने फर्नेस वगैरह लगा दिया, सेमी ऑटोमेटिक है जिससे मेरे को स्टोन वगैरह मिलता रहता है, और हॉपर से सीधा एक चेस्ट कनेक्ट है जहाँ पे मेरे को स्टोन मिल जाता है। ये क्राफ्टिंग टेबल और एक स्टोन कटर है जिससे मेरे को जरूरत तो पड़ती है यार इनकी। सो और मैंने यहाँ पे एक ये स्विच भी नीचे ले आया है इसका, ताकि यार मेरे को बार बार ऊपर बंदरों के जैसे ऊपर ना चढ़ना पड़े। स्पाइडर मैन नहीं बनना चाहता यार मैं अभी। इसको यहाँ से ऑन करो और मजा लो यार, बिल्कुल बस ऐसे TNT गिरता है, 1, 2 और 3। ये देखो ऐसे गिरता है यार TNT, और ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा सही वर्क कर रहा है। और यार मेरे ना उस टाइम पे FPS भी ड्रॉप होते हैं यार जब यहाँ पे TNT बढ़ता है, क्योंकि यार मेरा इतना तगड़ा PC है नहीं यार जो मेरे को इतने अच्छे FPS दे सके। सो फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि यार मेरे को अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्टोन मेरे पास पड़ा है यार, चेस्टों के चेस्टें भर चुकी हैं, और मेरे को सिर्फ यहाँ पे अभी एरिया क्लियर करना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है यार। और एक्चुअल में मेरा एक शवल भी टूट गया था जो कि मैंने रिपेयर भी किया, मैंने नया बना लिया यार, क्योंकि उसमें 3 डायमंड लग रहे थे रिपेयर करने में, और ऐसे बनाने में एक ही लगता है। सो मैंने इसको नया ही बना दिया यार, मैंने सोचा कि छोड़ो यार ये 3 डायमंड कौन देगा, एक से काम चला देते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ये सारा एरिया क्लियर करना है यार, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास ना एफिशिएंसी है ना मेरे पास अभी अनब्रेकिंग वगैरह है, और एक्चुअली में शायद मैं अपना गोल्ड शवल ना खो दूँ। सो फटाफट से एक काम करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं। सो अभी जो यार गाइज मैंने यहाँ पे सारा एरिया कंप्लीट कर दिया है, बिल्कुल मैंने प्लेन कर दिया है जहाँ पे मेरा एक शुगर केन फार्म बनेगा, एक ही बनेगा एक्चुअल में। फिलहाल के लिए छोटा बना रहा हूँ, बाद में काफी नेक्स्ट लेवल पे इसको अपग्रेड कर दूंगा मैं, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट बनाऊंगा यार एक्चुअल में, मैं ये चाहता हूँ। बट यार उससे लैग करती है यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल के लिए मैं ये वाला डिजाइन रेडी करता हूँ, जो सर्वाइवल बेस वाला डिजाइन है मेरा वही रेडी करता हूँ। सो अभी के लिए मेरे को यार यहाँ पे सामान वगैरह सब लेकर आना है यार अपना, क्योंकि वहाँ से मेरे को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं फटाफट से करता हूँ और आप टाइम लैप्स एंजॉय करो इतना, फिर मिलता हूँ मैं। सो अभी जो यार मैं क्या बताऊँ यार, मेरे को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, अभी मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया यहाँ तक का, और वो रिकॉर्ड होके मतलब सेव मैंने किया यार, वो सेव भी हो गया था बट वो लोड ही नहीं हो रहा है एडिटिंग करने के लिए। ये तो अच्छा हो मैंने पहले देख लिया, बट कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ ज़्यादा काम किया भी नहीं। मैंने रेल वगैरह करी है और चेस्ट सिस्टम लगाया अपने थोड़ा हॉपर वगैरह का, सो और ऊपर डर्ट वगैरह लगाई है। मैं आगे का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ यार अगर होता है तो लगा दूंगा, वरना फिर अब तो क्या ही कर सकते हैं। और सो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फटाफट से अपना टाइम लैप्स लगाता हूँ, और बिना किसी देरी के यार आप टाइम लैप्स एंजॉय करो यार। सॉरी यार उसके लिए वो टाइम लैप्स रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार। सो फाइनली यार मैंने थोड़ा रीप्ले मोड की सेटिंग भी क्या मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया, ये तो शुक्र मनाओ कि ये सेव हो गया। और भाई यार मेरे को इतने ज़्यादा डर लग रहा था ना कि यार अगर वो सेव नहीं होते यार मैं क्या दिखाऊंगा। सबसे पहले टायर इसको पकड़ लेता हूं यार, मैं 4 बार यहाँ गिर गया हूँ। सो अभी बस मेरे को ये सिर्फ इसमें कोबलस्टोन डालना रहता है और ये हॉपर क्लॉक को ऑन करना है बस। सो जैसे इसको ये डालूंगा मैं, साथ ही वो ऑन हो चुकी है, देख सकते हो रेडस्टोन का ब्लॉक इन साइड को खिसक चुका है। कंपरेटर से इसको सिग्नल वगैरह मिलते हैं, आई डोंट नो क्या होता है ये, बट
जो भी होता है सही होता है, मेरा ये वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा। सो अभी बस मेरे को वेट करना है ये मशीन के चलने का। वेट भी क्या यार, मैं इतना अपना और काम करता हूँ, मेरे को एरिया वगैरह काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है यार। इसको मैं काफ़ी ज़्यादा सही कर दूंगा, प्लेन कर दूंगा बिल्कुल, ग्रास वगैरह सब हटा के। सो यार बिना किसी देरी के मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। एक्चुअल में अभी भी लंबी हो ही चुकी है, 5 मिनट की वीडियो हो गई है। सो अभी यार इसको तो टाइम लगेगा, मैं इतना अपना और काम कंप्लीट कर लेता। मैं सोच रहा था कि AFK करूँ, बट नहीं यार AFK नहीं यार, मेरे पास वैसे टाइम नहीं है। सो मैं फटाफट से ये काम करता हूँ, और सबसे पहले तो यार इसको बंद करता हूँ यार, भयंकर इससे लैग हो रही है मेरी। हाँ इसको बंद करता हूँ। सो अभी जो यार गाइस मैं यहाँ पे सारा मतलब डर्ट वगैरह लेने आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार एरिया फ्लैट कर देता हूँ फटाफट से, ये सब करता हूँ मैं यार, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। टाइम लैप्स मैं रिकॉर्ड नहीं करता यार, उसको छोड़ो, मतलब रिकॉर्ड क्या करना, मैं भूल ही गया, मैंने रिकॉर्डिंग करी नहीं यार, मैं भूल गया एकदम, पता नहीं मेरे को क्या हुआ। सो अभी एक काम करता हूँ यार, इतना सारा मेरे को एरिया प्लेन करना है, जितना भी होता है ना मेरे से, जितने भी डर्ट है मैं सब लगा दूंगा इसमें। करते हैं इसको कंप्लीट और यहाँ तक करेंगे, आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा करना है मेरे को, क्योंकि यार करना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, वर्ल्ड के बिगेस्ट फार्म ऐसे खुलगा नहीं है यार। यार तुम समझ रहे हो यार, मेरे बहुत लंबे लंबे गोल्स हैं, पर यार तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, ऐसे काम कैसे चलेगा यार। तुम सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जितना हो सके दबा के शेयर करो, शेयर नहीं बन सकते तो दबा के शेयर करो। सो अभी जो यार गाइस मैंने यहाँ पे सारा एरिया कंप्लीट कर दिया है यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसमें मेरे को, ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट लग गए इसको मेरे को करते करते। और मैंने बीच में अपना स्टोन फार्म भी एक्टिवेट कर दिया था यार, और वो एरिया मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लियर करा है, क्योंकि यार अब मेरे को लाने हैं यहाँ पे विलेजर्स, और मैं अपने आयरन फार्म के पास तो विलेजर रख नहीं सकता। और एक्चुअल में ये देखो मेरा AFK का फ़ायदा, चंक के अंदर था तो AFK होता रहा है। सो अभी मेरे को सिर्फ एक काम करना है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ विलेजर लेकर आने हैं, और उनको यार काम धंधे पे लगाना है, क्योंकि मेरे को मेंडिंग वगैरह सब चाहिए, सिर्फ XP का काम रहता है मेरे पास। और फार्म वगैरह तो मैंने एक ही बनाना था, बस यही बनाना था। और अभी मेरे को सिर्फ सोचता हूँ अगर टाइम रहा तो एक XP फार्म भी बनाए देंगे, क्योंकि मेरे को स्पॉनर तो एक्चुअल में मिल ही चुका है, स्पाइडर का स्पॉनर है और एक क्या बोलते हैं उसको ज़ॉम्बी का स्पॉनर है। मैं वो करता हूँ कंप्लीट और फिर मिलता हूँ यार, क्योंकि अभी नहीं यार वो छोड़ो, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ विलेजर वगैरह लेकर आता हूँ, अपना आर्मर वगैरह एन्चेंट करो, क्योंकि मेरे पिकैक्स की हालत देख लो यार कितनी बेकार हो चुकी है। मैं फटाफट से एक काम करता हूँ और फिर मिलता हूँ यार। सो अभी गाइस मैं आया हूँ आयरन फार्म पे यार, आयरन लेने, क्योंकि आयरन से ट्रेड करूंगा ना। ओ भाई साहब इतना ज्यादा आयरन यार, लेके भी कैसे जाऊँ। ओ नहीं 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 मैं भी पागल हो रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ इनको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, बस इनको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरे को इन्वेंटरी खाली करनी पड़ेगी यार, मेरे पास जगह भी नहीं है। सो ये करता हूँ और ये गए यहाँ, और ये 64 ब्लॉक्स बन चुके हैं यार। आयरन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है भाई, बिल्कुल भी, जिसको बोलते हैं ना आयरन का फुल सप्लाई है अपने पास, और स्टोन का भी। स्टोन भी मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि यार मेसन दी बेसन जो होता है ना वो स्टोन से एमरल्ड देता है, 20 स्टोन के बदले एमरल्ड देने लग जाता है वो। तो ये सब ट्रेडिंग के लिए यार, XP तो चाहिए ही है, क्योंकि और आयरन से मेरे को एक्चुअल में XP काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, मेरे पास बहुत आयरन है यार, इससे तो मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट मेरे को। और फार्मर वगैरह से भी ट्रेड करूँगा, उससे ब्रेड वगैरह लूँगा मैं, विलेजर भी तो ब्रीड कराने हैं। सो मैं सीधा फिर मिलता हूँ आप लोगों को। सो अभी जो है यार गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे को वुड की ज़रूरत पड़ रही है यार काफ़ी सारी। सो मैं एक काम करता हूँ, इन द काउंट ऑफ 3, 2 एंड 1 ये कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। आप लोगों को लग रहा होगा यार मैंने फटाफट से बना दिया, बट यार इसमें टाइम लगा, मेरे को मेजरमेंट ही नहीं मिल रही थी। सो अभी जो है मैंने यहाँ पे एक ट्री ग्रो करके भी देख लिया कि हो रहा है या नहीं, हो रहा था वो। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, देखो यार इससे पता क्या होगा, मेरे को मैनुअली सैपलिंग वगैरह कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप टूटते रहेंगे, वो नीचे आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने एंट्रेंस बना दिया इसकी, थोड़ी बहुत डेकोरेट तो खैर क्या ही करी मैंने, थोड़ी बहुत करी है। 14 मेरे पास ये आ चुकी है, और थोड़े से लॉग थे उसमें पड़े वो ले लेता हूँ मैं, और सीधा चलता हूँ विलेज में। मेरे को सब जितने भी वहाँ पे विलेजर हैं सबसे ट्रेड करना है, ताकि मेरे को XP जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मिले, क्योंकि यार 4 आर्मर पीस हैं, ठीक है, और 4 ही मेरे पास टूल्स हैं। सो फटाफट से मैं ये काम करता हूँ कंप्लीट और यार फिर मिलता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लगने वाला है। Much later. सो अभी जो है गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ यार, मेरे पास XP हो चुकी है, 33 XP कराया हूँ मैं, और फटाफट से यहाँ से लैपिस उठाता हूँ यार, कितना कंजूस हूँ यार मैं, बस मेरे को प्लीज फॉर्च्यून मिल जाए बस। यार ये तो गलत है यार, मेरे को मिलनी चाहिए थी।
पर चलो कोई नहीं, अब यार क्या कर सकते हैं यार, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ यार, प्लीज उस पर मिल जाए। सबसे पहले तो मैं एक ग्राइंडस्टोन बनाता हूँ यार, मेरे को ग्राइंडस्टोन की जरूरत पड़ेगी डिसएन्चेंट करने के लिए। फटाफट से वो बनाता हूँ और फिर से एक बार ट्राई देता हूँ इसको, क्या पता मिल ही जाए। सो अभी जो है मैंने ग्राइंडस्टोन बना लिया, ये मैंने रख दिया यहाँ पे, इसको करता हूँ सबसे पहले मैं डिसएन्चेंट। और अब ट्राई करता हूँ अनब्रेकिंग 3 है, प्लीज इसमें मिल जाए यार। शिट, एक्सपी भी गई और पिकेक्स पे कुछ भी नहीं मिला। सो अभी एक काम करता हूँ यार, छोड़ो यार इसको, क्या ही करूँगा यार मैं, बस यार इसको मैं डिसएन्चेंट ही कर देता हूँ। वैसे मैंने डिसएन्चेंट गलत करी इसको, अभी अनब्रेकिंग लगते रहने देता क्योंकि काम तो आ ही रही है पिकेक्स। चलो कोई नहीं, सबसे पहले मैं एनविल बनाता हूँ। एनविल का भी मेरे को एक काम है यार, मैं बताता हूँ। और ये यहाँ कहाँ रख दिया मैंने, देखा अगर अनब्रेकिंग लगे रहने देता ना तो ऐसे मेरे को तोड़ने में आसानी रहती, मतलब वो टूटते नहीं है पिकैक्स। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ देखता हूँ यार, इस पर एफिशिएंसी 4 मिल रही है। और ये मैं एक बात बताता हूँ, एक्चुअली में मैंने ये बूट्स लिए थे अपने आर्मरर होता है ना, वो आर्मरर होता है, वो मैंने मैक्स कर दिया है, सारे मैक्स हो चुके हैं वो विलेजर मेरे, मेरे को फैदर फॉलिंग 4 मिला है। सो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ आगे की तरफ। और ये जो है मैंने यहाँ पे फटाफट से एरिया कंप्लीट किया था जो बचा कुचा था, और साथ ही साथ मैंने रेल ट्रैक बिछाया था ताकि मैं विलेजर यहाँ पे ला सकूँ। मैं ड्यूपर की वजह से यार काफ़ी आसानी हुई थी मेरे को रेल लेने में। सो अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यार। फिर से मैंने पूरा आर्मर अपना, पूरा तो नहीं यार, ये मैंने शील्ड करी है अपनी, चेस्ट प्लेट करी है, और क्या बोलते हैं इसको, जो भी होता है क्या बोलते हैं इसको यार, बूट्स, हाँ मेरी शील्ड भी तो देखो यार तुम, इतनी नहीं कर दी मैंने, वो होता नहीं यार जो पेट्रोलिंग के लिए आते हैं प्लेजर्स, उनसे बैनर मिला था मेरे को, मैंने इस पर लगा दिया। और मैंने सिर्फ अपनी चेस्ट प्लेट करी है और शूज़ करे हैं, मेंडिंग वाला मैंने विलेजर बना दिया है, मैंने विलेजर सब इकट्ठे कर लिए हैं, और सिर्फ मेरे को रहता है अब टूल्स भी मैंने करी दिए, सिर्फ पूरा आर्मर अभी रहता है। सो आज की वीडियो में मैं यहीं पे एंड करता हूँ यार, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। सो मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों को अगली वीडियो में, टिल देन पीस आउट।